आगामी 30 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर देशव्यापी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 8 सालों में लिए गए निर्णयों और उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक बार फिर से जन जन तक पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा सरकार के मंत्री, पदाधिकारी आम जनता के बीच जाकर उनको जागरूक भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो जनता को समर्पित सरकार है, गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। गरीबों के लिए जो सरकार की योजनाएं आई हैं, चाहे उनको सस्ता इलाज कराने की व्यवस्था रही हो, चाहे उनको फ्री में राशन देने की व्यवस्था रही हो, चाहे फ्री में उनके घर में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था रही हो, यहाँ तक कि 2022 के अंत तक हम जो है हर व्यक्ति को घर और हर घर को नल देने की जो व्यवस्था से हम काम कर रहे हैं, इससे जनता से जो जिनको कोई पूछता नहीं था, इन योजनाओं को लेकर के मोदी जी गए हैं। मोदी जी की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, विश्व नेताओं में सबसे बड़े नेताओं के रूप में वो उभरे हैं। आज हर देश का नेता, हर देश का जो ग्रुप है वो मोदी जी को इन्वाइट करता है। आज के पहले भारत की स्थिति जरूर अच्छी रही है, लेकिन जो मोदी जी की लोकप्रियता रही है विश्व के अंदर, वो आज तक किसी भी राजनेता की नहीं रही है। मुझे लगता है भारत को एक अच्छा नेता मिला है और भारत जो है फिर से मोदी जी के राज में आगे फिर उनको तीसरा बार मौका जरूर देगा। इसको आप चुनाव की नजर से भी देख सकते हैं, पार्टी की नजर से भी देख सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जब अपना कार्यकाल पूरा करती है या उसका स्थापना दिवस आता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक कार्यक्रम करती है। और मोदी सरकार तो पिछले 8 सालों से लगातार सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में है, केंद्र में दूसरी बार सत्ता में है, तो उसके कार्यकर्ताओं में और जोश भर जाए ताकि ये जो सत्ता का खेल चल रहा है ये तीसरी बार भी रिपीट होकर भाजपा के खाते में आ जाए। इसलिए मोदी सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोशों भर उसके साथ ये जश्न मना रही है। और ये जश्न मनाना भी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहता है, काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है, और जब वो अपने अपने नेता को वन टू वन देखते हैं, वन टू वन मिलते हैं, तो उनके अंदर और जोश आ जाता है। तो ये एक अच्छी प्रथा है और मुझे लगता है कि ये भाजपा को ही नहीं हर पार्टी को मनानी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं उन्होंने जो अपना कार्यकाल किया था देश में या प्रदेश में, उनको भी अपने कार्यकाल को मनाना चाहिए। और देखिए, भाजपा सरकार तमाम जश्न मनाती रही है, जीतने पर सालाना जश्न मनाती है, मनाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है देश की, वो बहुत ख़राब हो चुकी है। महंगाई जिस कदर से इस समय चरम पर है, जनता त्राही त्राही बोल रही है, बेरोजगारी चरम पर है। पिछले 8 सालों में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार जो है ये महंगाई और रोजगार पर बोलने के बजाय इधर उधर के मुद्दों पर ये बोलना पसंद करते हैं। तमाम निरीक्षण के लिए मंत्री निकले हुए हैं और वहाँ पे तमाम खामियाँ निकल रही हैं। पिछली सरकार में भाजपा ही थी और वर्तमान जो मंत्री बने हैं वो भी भाजपा के ही मंत्री हैं। जो कमियाँ स्वास्थ्य में, अस्पतालों में निकल रही हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। सत्ता जो है वो जनता के लिए है, वो जश्न मनाने के लिए नहीं है। भाजपा सरकार को इस बात पर ख्याल रखना चाहिए और जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का जो बुरा हाल हो रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारत सरकार अर्थात मोदी जी की सरकार के 8 साल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 साल पूरे होने में जश्न मना रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि महंगाई आसमान पे है? इन 8 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है हिंदुस्तान में कभी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। क्या डीजल पेट्रोल के रेट मनमानी रोज बढ़ाए जा रहे हैं इसलिए जश्न मनाया जा रहा है? क्या बेरोजगारी चरम सीमा पे इसलिए जश्न मनाया जा रहा है? 30 मई 2022 भारतीय जनता पार्टी के सियासी इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा। 30 मई को 8 साल पूरे होंगे बीजेपी के किसी भी लीडर के भारत देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में। वो सपना पूरा होगा जिसका सपना 1980 के करीब बीजेपी के संस्थापक मेंबरों ने देखा था। नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के प्रधानमंत्री के रूप में करियर के दौरान तमाम बड़े फैसले लिए हैं, तमाम बोल्ड फैसले लिए हैं। देश की जनता से लेकर दुनिया तक को उन्होंने चौंकाया है, राजनीति में अपना कद और रुतबा भी बड़ा किया है। लेकिन 2024 सामने है,
चुनौतियां तमाम हैं। देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह इन चुनौतियों से पार पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, जेके।